सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कुछ इस टाइप का लोगो क्रिएट करना। ठीक है, लोगो बनाना हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और आप लोग पिक्सआर्ट से सोच रहे होंगे तो पिक्सआर्ट नहीं है, कुछ अलग एप्लीकेशन है जिससे कि आप बहुत अच्छा लोगो बना सकते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं उस एप्लीकेशन से। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाइए वहाँ से हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइज बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ठीक है, यहाँ से पूरा कट कर देना है। ठीक है, और चलते हैं, देख लीजिए ये वाला एप्लीकेशन है जो कि आप लोग को मोबाइल में मिल जाएगा, ये स्टूडियो करके हैं। ये आप लोग प्ले स्टोर पे आसानी से आप लोग को मिल जाएगा, अगर प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको ओपन करना है, गेट स्टार्टेड करना है, इसमें लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा अपने गूगल अकाउंट से, जिससे भी आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। सो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। सो फाइनली गाइज, देख सकते हैं मेरा नेट यहाँ पे थोड़ा स्लो है, इसके लिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा ओपन होने के बाद फाइनली कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्लस का। ठीक है, तो प्लस पे हम लोग क्लिक करके एक अपना कोई भी मतलब बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए गाइज, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोग को शायद यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, अभी कोई नहीं डाला होगा, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब हम आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें से कोई भी साइज़ हम रख सकते हैं जो आप लोग का मन करे, तो हम लेकिन रखेंगे इस पर यही वाला रखेंगे। ठीक है, डन करेंगे। देख सकते हैं मैं फेसबुक वाला साइज़ रखा हूँ, ये बस नॉर्मल बैकग्राउंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये PNG वाला बैकग्राउंड है, इस पर सेव करेंगे तो ये बैकग्राउंड हट जाएगा। तो आता है यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर एक टेक्स्ट करके PNG है, टेक्स्ट करके है ऑप्शन, इस पर हमको क्लिक करना है और इसी पे हमको लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है अलोन डिज़ाइन, ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए ऐसे करके अलोन डिज़ाइन लिख लेना है। और यहाँ से देखिए 3 नंबर पे इसका कलर का ऑप्शन दिखाई रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कलर ब्लैक करेंगे, देख सकते हैं अब दिखाई दे रहा है। उसके बाद से फॉन्ट स्टाइल, देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल भी है, फॉन्ट में जाएंगे और इसको हम लोग देखिए कितना इसमें दिया है फॉन्ट, बहुत ज़्यादा फॉन्ट है, देख सकते हैं इसमें फॉन्ट का कमी नहीं है, बहुत सारा फॉन्ट दिया है, देख लीजिए। मतलब जो भी फॉन्ट आप लोग को अच्छा लगे आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें से अपना एक फॉन्ट चूज करूँगा जो कि यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें फॉन्ट देख लीजिए, जो भी आप लोग को अच्छा लगे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्री है, बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, एकदम फ्री है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। सारा चीज़ यहाँ से ऊपर की साइड में करके ऐसे देख लेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई भी फॉन्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो कस्टम यहाँ से मतलब ले भी सकते हैं, और भी फॉन्ट वगैरह है जो कि मतलब अभी तो इसी में इतना ज़्यादा है, तो मतलब आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, मैं नॉर्मल एक मतलब नॉर्मल ही कोई एक सेलेक्ट करूँगा, जैसे मान लीजिए ये हमको अच्छा लग रहा है लोगो टाइप में, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, डन करेंगे, ठीक है ना। और इसमें जाएंगे हम अपना, ये देख सकते हैं ये काम का नहीं है, ये इधर उधर करने वाला है, साइड इसका मतलब जगह चेंज करने वाला है, रोटेशन, ठीक है। तो शैडो वगैरह लगा सकते हैं आप लोग चाहें इसमें, तो शैडो भी लगा सकते हैं, एंगल देखिए यहाँ पे सब लगाने वाला है, ब्लर ऑफ कर देते हैं, हमको ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जो मैं फॉन्ट सेलेक्ट किया हूँ थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो इसमें वो वाला चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें सारा चीज़ लोगो वाला स्पेशली एप्लीकेशन है, लोगो डिज़ाइन करने वाला बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इसको आसानी से मतलब यूज कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में लगाएंगे और करेंगे डन, ठीक है। अब हम फिर से फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें लिखेंगे फोटोग्राफी, एलोन डिज़ाइन फोटोग्राफी, ठीक है, देख सकते हैं फोटोग्राफी लिख दिया हूँ, और साइड साइड में ऐसे डैश डैश दे देना है, ठीक है। देखिए रुकिए, मैं नीचे की साइड में एकदम इसको अच्छे से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे कुछ इस टाइप का करना है, डन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसका कलर हम लोग ब्लैक रखेंगे और इस फॉन्ट को हम लोग चेंज करेंगे, जो कि फॉन्ट है ये वाला हमको चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इसको रखेंगे, ये
एक सेकंड गाइस, थोड़ा नीचे ज़्यादा वो हो गया नीचे वाला, इसको हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद से डन करेंगे। तो देख सकते हैं इतना पे आ गया, फोटोग्राफी हम छोटा रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा करते हैं सबसे पहले, तो इसको हमको ऐसे करके छोटा कर लेना है, नीचे की साइड में ऐसे यहाँ पे लगाना है, एलोन डिज़ाइन फोटोग्राफी, यहाँ पे बस लगा देना है। और ये नीचे वाला फ़िलहाल में अभी के लिए हम लोग हटा देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, डन करेंगे। इतना पे रख के डन कर देंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हैं एलोन डिज़ाइन फोटोग्राफी लिखा गया है, और आप लोग चाहें तो नीचे अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, बट ये भी हमको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारा लोगो इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन तो बहुत दिया है, आप लोग मतलब एक बार ट्राई कीजिए इस एप्लीकेशन को, मैं तो यूज़ किया हूँ पर्सनली, बहुत अच्छा लगा है। और इस एप्लीकेशन का एक और ख़ास बात है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगा, और वो बहुत ही कमाल का ट्रिक है, ठीक है। वो इतना कमाल का ट्रिक है क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, वो अगर आप लोग जान जाएंगे तो आपको शायद फ़ोटो एडिट करते टाइम में नेट वोट ऑन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत कमाल का ट्रिक है ये एप्लीकेशन, बहुत तगड़ा है, आप लोग इजीली यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसका लोगो तो तैयार कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सिंपली हमको इसको सेव करना है, ठीक है ना। सेव करके मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर के ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सेव का, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा PNG फॉर्मेट में सेव हो रहा है ये फ़ोटो, ठीक है ना। तो यहाँ से सेव, देखिए नीचे एक एरो बना हुआ है सेव का, तो यहाँ से हम लोग सेव कर लेंगे। ये डन सेव हो गया ना। अब चलते हैं हम किसी फ़ोटो पर लगा के देखते हैं लग रहा है कि नहीं। सो गाइज, मैं इसी फ़ोटो पर लगा के देखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इस पर लगा के देखता हूँ, तो इसको मैं शेयर करता हूँ अपने पिक्सार्ट के अंदर, और यहाँ से मैं इस पर लोगो लगा के देखता हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ से मैं आ गया अपने पिक्सार्ट के अंदर, और यहाँ पे ऐड फ़ोटो में जाऊँगा, और यहाँ से मैं वो वाला PNG ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐड कर दिया हूँ, और देख सकते हैं एकदम एकदम सही तरीके से इसमें ऐड हो चुका है। आराम से आप कहीं भी इस PNG को बैठा सकते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सबसे पहले तो हम इसको क्रॉप कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे क्रॉप करेंगे कि इसका साइज़ हो जाए छोटा, हमको एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग इसीलिए उसमें साइज़ सेलेक्ट करने के लिए आता है, उसमें जो साइज़ आप लोग सिलेक्ट करेंगे वही रहेगा। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर बीच में इसको एडजस्ट करना है, तो बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, और ये लोगो हमारा बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। मतलब आप लोग सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ गया, उसके बाद से अगर चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और कलर पे जाएंगे, और यहाँ से हम लोग निगेटिव पे सेट करेंगे और हो जाएगा वाइट, ठीक है। तो मतलब कोई भी कलर आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली है। हम मतलब ये एप्लीकेशन का यूज़ किए और पर्सनली हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये एप्लीकेशन। डन करेंगे, देख सकते हैं ऐसे करके आप लोग लोगो अपना बना सकते हैं और लगा सकते हैं। तो डन करेंगे अभी फ़ोटो, इसको आप लोग कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत टाइप का मतलब इसमें बनता है लोगो, आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो और जो एप्लीकेशन मैं बताया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम पे भी उसको हो सके तो डाल दूंगा, क्योंकि प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, टेलीग्राम पे डालने का ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था आज का वीडियो छोटा सा। तो आशा करता हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।